आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में। वैसे बहुत ठंड पड़ रही है, जैसे हम लोग कैप जैकेट सब लगाकर यहाँ पर अंदर अंदर हैं। तो आप सभी लोग भी अपना एकदम कैप जैकेट पहन के रखिए। इससे मेन बात है कि अभी चारों तरफ ओमिक्रॉन मतलब कोरोना फैल चुका है, इसलिए आप सभी लोग भी जैसे ज़रूरत इसमें हो तभी बाहर निकलिए, वरना तो आप बाहर मत निकलिए। अपने आप को सेफ करके रखिए। अगर आप बाहर जाएँ तो मास्क लगाइए, अपने साथ एक सैनिटाइज़र ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ अपने जो छोटे छोटे भाई से, वो बड़े हो गए हैं लेकिन, और सबसे मेन हमारे छोटे लड्डू गोपाल, हमारे छोटे भाई, ये तो ब्राउनी है। देखिए ब्लैक ही कहाँ गया, ओह मेरा, इसको देखिए, तो देखिए ये लोग कैसे, अरे तुम लोगों ने सरदारी बहुत करते हो तुम लोग, हाँ देखिए क्या ढूंढ क्या रहे हो तुम लोग, हाँ अरे गाइस देखिए कितना जा, मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, तुम लोग के घर कुछ लाई होती तो मुझे क्या कर रहे हो, खाना है अभी तो खाना खिलाया था, लड्डू जी कैसे मतलब अपने कपड़े पहन रखे एकदम सर्दी में, क्योंकि मैं लाइट जगा देती हूँ। हमारे साथ मंदिर एकदम सब राम जी लक्ष्मण जी सब लोग एकदम, देखिए हमारे लड्डू जी अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये देखिए उनका बेड, यहाँ पर ही उनका बेड है। और ये देखिए उनका रजाई, ठंड में जब वो सोते हैं, और ये बेड फोल्डेबल है, अगर कोई इनमें मतलब सोफे भी है अगर किसी को। और देखिए हमने लड्डू गोपाल जी के लिए पूरे मंदिर के लिए एक गुल्लक बना रखी है, जिसमें हम लोग हर वीरवार इसमें डालते हैं अपने मन से। तो चलिए आपको देख ही लिया होगा अपने हमारे लड्डू गोपाल जी को, है ना बड़े क्यूट। और यहाँ पर हमारा पूरा राम दरबार भी है, सब अच्छे लगते हैं। तो जरूर बताइएगा कमेंट में कि हाँ कैसे लग रहे हैं हमारे राम जी लड्डू गोपाल जी। फिर देखिए ब्लैकी और उसको अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर आना, तो बाहर बैठ के हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ ब्लैकी देखिए नो ओके ओके बाय गाइस।